वंदनातरम। आज हम देखिए, इसके पहले हमने चर्चा किया है कि व्हाट इज ऑफर कर्व, प्रस्ताव वक्र कैसा है, और जब मार्शल ने जब इसको दिया तो काफ़ी व्यापार को समझना काफ़ी आसान हो गया था, क्योंकि इसके पहले हम क्या कर रहे थे, हैबरलर के द्वारा पीपीसी से सारी चीज़ें कर रहे थे, ठीक है, एक्सचेंज बेनिफिट, फिर स्पेशलाइजेशन बेनिफिट इत्यादि हम देख रहे थे। लेकिन जैसे ही ऑफर करा हुआ, कितना बढ़िया हो गया कि हम बहुत ही बढ़िया से व्यापार को दिखा सकते थे। लेकिन अब बात यह आई कि हम कंजम्पशन प्रोडक्शन, ठीक है, और कंजम्पशन प्रोडक्शन के साथ अर्थात वेलफेयर के साथ और उसके अलावा ट्रेड, दो सब एक ही साथ दिखाएं। तो जब इसकी देखिए दो चीज़ नेसेसिटी मदर ऑफ इन्वेंशन, वैसे तो कोई चीज़ आता नहीं है, ठीक है। अब हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर हम ऑफ़र कर्व बनाए तो दो चीज़ों से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं ऑफ़र कर्व? या तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, या तो पीपीसी और उसके साथ साथ सीआईआर, कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व, और दूसरा हो या तो ट्रेड इंडिफरेंस कर्व टीआईसी। हमने देखा है कि जो पीपीसी और सीआई से हमने कैसे किस प्रकार से डेरिवेशन होता है, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ऑफर कर्व कैसे बनता है, ठीक है। तो हमने पीपीसी और सीआई से बना दिया है। अब हमें चर्चा करनी है कि ट्रेड इंडिफरेंस कर्व की, जिसके द्वारा मानचित्र बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा, व्यापार और उपभोग और उत्पादन के स्तर को दिखाना। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, यह मानते हुए और हम आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जेम्स मीड ने इसका जो बात रखी थी ट्रेड इन्फ्लुएंस कर्व की, वो जेम्स मीड ने रखी थी, और उन्होंने बताया था कि देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि जेम्स मीड ने किसी देश के लिए प्रस्ताव वक्र को उस देश के व्यापार उदासीनता वक्र के आधार पर प्राप्त किया। मतलब कि ऑफर कर्व को उन्होंने किससे प्राप्त किया? उदासीनता वक्र से। तो कैसे प्राप्त किया? तीन स्टेजेस हैं, सारी चीज़ें हम बता दे रहे हैं, आगे पढ़ लीजिएगा। तीन चीज़ें हैं, ठीक है, हम इसको स्क्रॉल कर देंगे लास्ट में, और फिर आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा मे बी, ठीक है। आगे देखते हैं, ट्रेड इंडिफरेंस कर्व में तीन चीज़ें करनी है। सबसे पहले कि ट्रेड इंडिफरेंस कर्व बनाना है, कैसे हम ऑफर कर्व तक पहुंचेंगे, ऑफर कर्व कैसे बनाएंगे ट्रेड इंडिफरेंस कर्व से, तो ट्रेड इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे। दूसरा हम एक ट्रेड इंडिफरेंस कर्व नहीं बनाएंगे, ट्रेड इंडिफरेंस कर्व का मैप बनाएंगे, मैप। यहाँ तो हमने एक बनाया है, मतलब कि सबसे पहले एक बनाएंगे, फिर हम कई बनाएंगे, ऐसे उसका मैप बनाएंगे ऐसे, ठीक है, मैप। और तीसरा क्या करेंगे, उसका जो कटान बिंदु है ना, मतलब कि वहाँ से हम टर्म्स ऑफ ट्रेड खींचेंगे, वहाँ से हम जैसे मान लीजिए हमने एक है खींच लिया कई सारा, ठीक है, कई सारा हमने ट्रेड इंडिफरेंस करो खींचा, ठीक है, क्योंकि ये तो स्पर्श कर नहीं रहा, तो हम कई सारा वो स्पर्श रेखा खींचेंगे, इसे हम ट्रेड टर्म्स ऑफ ट्रेड बोलते हैं। तो कई खींचेंगे, इसमें से हो सकता है कि कुछ इसमें टच करे, कुछ एक सेकेंड, ये तो जहाँ जहाँ ये टच करेगा ट्रेड इंडिफरेंस कर्व, उधर जहाँ जहाँ पे टर्म्स ऑफ ट्रेड ट्रेड इंडिफरेंस कर्व को टच करेगा, वहाँ से गुजरती हुई ओरिजिन से वहाँ से गुजरती हुई एक रेखा खींचेंगे, वही ऑफर कर्व हो जाएगा उस देश के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए के लिए देखते हैं। तो तीन स्टेजेस ऑफर करो को बनाने के लिए ट्रेड इन डिफरेंस करो से तीन स्टेज हमें फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेज क्या है कि टीआईसी बनाएंगे, ठीक है, दूसरा इसका मैप बनाएंगे, मैप, तीसरा क्या करेंगे कि टर्म्स ऑफ ट्रेड खींचेंगे और मतलब कि सारे डिफरेंस करो पे, और जहाँ जहाँ पे टर्म्स ऑफ ट्रेड टच करता है ट्रेड इन्फ्रेंस करो को, उसको क्या करेंगे, मिला देंगे। और जैसे ही मिलाएंगे वो जो मिला हुआ बिंदु है वो क्या कहलाएगा, वही ऑफर करो कहलाएगा उस देश से संबंधित। अब हम इसके लिए ए से देखते हैं, ठीक है, मतलब देश ए के लिए हम देखेंगे। इस प्रकार से टर्म्स ऑफ ट्रेड बनाएंगे, हमने बताया है ऐसे बनता है, ठीक है, यहाँ पे बन गया टर्म्स ऑफ ट्रेड पूरा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, टर्म्स ऑफ ट्रेड बन गया, ठीक है, टर्म्स ऑफ ट्रेड यहाँ पे बन गया। अब कैसे व्यापार को दिखाएंगे, अब क्या करेंगे ना, यहाँ से एक यहाँ पे तो ओरिजिन है, यहाँ पे देखिए देख रहे हैं ना, ट्रेड इंडिफरेंस कर्व ए के लिए जीरो लिखा है, तो जीरो वाला टर्म्स ऑफ ट्रेड है, ठीक है, अर्थात पहला है। और यहाँ से गुजरती हुई जो स्पर्श इसको करेगी वो यहाँ से मूल बिंदु से करेगी, यहाँ मूल बिंदु से कहीं ट्रेड इंडिफरेंस टीआईसी मतलब टर्म्स ऑफ ट्रेड, कोई स्पर्श रेखा कहाँ पे करेगी, यहाँ पे,
अर्थात इस बिंदु पे, तो इसको तो हम लेंगे नहीं, मतलब कि ये तो मूल बिंदु पे हो गया। और दूसरा हम टर्म्स ऑफ ट्रेड लेंगे यहाँ पे कहीं, एक सेकेंड, ये वाला। और तीसरा टर्म्स ऑफ ट्रेड इसको यहाँ पे स्पर्श कराएंगे, सॉरी ये वाला। अब जब तीन ठो मिल जाए ना, तो अब एक तो जो पहले वाले का तो यहाँ पे मिल गया है, अब दूसरे देखें, एक सेकंड, दूसरा रंग ले लेते हैं ना, दिक्कत हो जाएगी। चलिए पहले वाले का तो मिल गया, अब दूसरे वाले का हम ऐसे करेंगे, यहाँ मिला, तीसरे वाले का यहाँ पे मिला, और ये हो जाएगा ऑफर कर्व फॉर ई। ठीक है, सारे को मिला देंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। बी के लिए ऐसे खींचेंगे, ठीक है, देख लीजिए इसको ट्रेड इंडिफेंस करो। देन आप क्या करेंगे, बस वही है, जैसे के लिए कैसे मानचित्र बनाएंगे। ये है जैसे मान लीजिए एक अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड खींच दिया आपने, एक सॉरी एक सेकेंड यहाँ है, देखिए अगर मान लीजिए ना आप केवल एक ट्रेड इंडिफरेंस करो खींचे, तो दैट इज ट्रेड इंडिफरेंस करो। लेकिन अगर एक और खींचे, एक और खींचे, ठीक है, एक से अधिक जैसे ही खींचेंगे, दैट इज ट्रेड इंडिफरेंस करो, ट्रेड इंडिफरेंस करो का मैप से हम बोलते हैं, ट्रेड इंडिफरेंस मैप, टी आई सी मैप। ओके, आप जानते हैं ए, इसको हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बोलते हैं, मतलब किसी को बोल सकते हैं, लेकिन साधारणतः सब लोग करते हैं, तो हम दिखाने के लिए हम एक्स और वाई इसी एक्सिस को मानते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ना सारी चीज़ें, एक एक के लिए वो एक्सपोर्टेबल है एक्स, और वाई के लिए इम्पोर्टेबल है, क्यों है आप शुरू से देखते आ रहे हैं, आपको पहले से ही देखना होगा सारी वीडियोज़। चलिए आगे देखिए, आप यहाँ पे क्या करेंगे, जब टर्म्स ऑफ ट्रेड ट्रेड डिफरेंस करो को टच कर रहा है, तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पहला वाला टर्म्स ऑफ ट्रेड जो पहले वाले को इसको टच कर रहा है, वो मूल बिंदु से कर रहा है, लेकिन जब दूसरा वाला टच कर रहा है तो यहाँ पे कर रहा है, तीसरा वाला यहाँ पे कर रहा है। अब तीनों को जब हम मिला दे रहे हैं ना, तो ट्रेड इंडिफरेंस करो जिसे हम सी ए से प्रदर्शित कर रहे हैं, यही क्या कहलाएगा, ऑफर करो फॉर ये कहलाएगा। ऑफर करो ये बता रहा है, ऑफर करो ये क्या बता रहा है, इसका प्रत्येक बिंदु बता रहा है कि प्रत्येक, देखिए इसका ऑफर करो का प्रत्येक बिंदु क्या बताता है, ठीक है, प्रत्येक बिंदु बताता है कि पर मतलब कि विभिन्न टर्म्स ऑफ ट्रेड पर, देखिए ना कई टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं, विभिन्न टर्म्स ऑफ ट्रेड पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की मात्रा को बताता है, बस, तो वही तो है, और वहीं से ऑफर करो का निर्माण होता है उससे। लेकिन अगर आप बोल देंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि मतलब ए के लिए इंडिफरेंस, ध्यान दीजिएगा कि अगर ए के लिए ऑफर करो क्या होगा, तो उसके लिए हम बोलेंगे कि चूंकि अगर व्यापार होगा तो किसी एक निश्चित समय पे होगा, किसी एक निश्चित टर्म्स ऑफ ट्रेड पर होगा, तो अगर ए के लिए हमें कहना होगा तो हमें ये कहना होगा कि किसी एक टर्म्स ऑफ, एक निश्चित समय में एक निश्चित टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है, उसके आयात के लिए, अर्थात किसी मतलब देश बी के आयात के लिए, अर्थात उससे ख़रीदने के लिए देश ए कितना ऑफर करता है निर्यात के लिए, मतलब कितना देना चाहता है वो, दैट इज़ ऑफर करो फॉर ए, वही ऑफर, मतलब कि वही ऑफर करो है ए का। ठीक है, चलिए आगे, बस ऐसे ही बी को बना लेंगे, ठीक है, बी को, देन ऐसे ही बी का बनेगा, बस ये ख़त्म। व्यापार उदासीनता मानचित्र से प्रस्ताव वक्रों को प्राप्त करने की उपरोक्त प्रक्रिया से एक महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट हो जा रहा है कि किसी देश के प्रस्ताव वक्र प्रत्येक बिंदु देश के किसी एक व्यापार उदासीनता वक्र से संबंधित होता है। मतलब एक कन्फर्म होता है कि जो ये बता रहे हैं ना, एक सेकेंड, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, किसी देश का प्रस्ताव वक्र का प्रत्येक बिंदु किसी एक व्यापार उदासीनता वक्र से संबंधित होता है, मतलब कि व्यापार उदासीनता वक्र टर्म्स ऑफ ट्रेड इंडिफरेंस कर्व से संबंधित होता है, इसका प्रत्येक बिंदु जो ऑफर कर्व है, इसका प्रत्येक बिंदु, अर्थात इसका प्रत्येक बिंदु किससे संबंधित है, किसी भी ट्रेड इंडिफरेंस कर्व से संबंधित है, समझ गए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, हमें उम्मीद है कि बहुत ही इजी है, आप हम इसक्रोल देखिए, लास्ट में हम इसको स्क्रोल कर दे रहे हैं, आप सारी को स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है, चलिए हम देखते हैं यहाँ से, ठीक है, चलिए मैं उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, अगर नहीं आए तो भी कमेंट जरूर करिए कि क्या नहीं आ रही है। ये है रेफरेंस, देख लीजिएगा कि सल्वाटोर की बुक से है, बहुत बढ़िया किताब है सल्वाटोर, उसमें सारी चीज़ें ब्रीफ में दी हुई हैं हम लोगों के लिए, जैसे कि नॉर्मल के लिए, अगर आप फॉरेनर को पढ़ना चाहते हैं तो ये है जॉन विली का बुक लीजिए,
तो ये सही हो जाए, सही रहेगा न्यूयॉर्क सिटी से। आज के लिए बस इतना ही, हमें उम्मीद है कि आप लोगों के सारी वीडियो कैसे डेरिवेशन होता है ट्रेड इंडिफरेंस कर्व, ट्रेड इंडिफरेंस कर्व से ऑफर कर्व, ये आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जिसमें से हम ट्रेड इंडिफरेंस कर्व की चर्चा करेंगे बृहद रूप में। तो आज के लिए बस इतना ही, वंदे मातरम।